आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं क्यू कार्ड में वो जंबो क्यू कार्ड जिसको हम बोल देते हैं जिसका मतलब है कि एक क्यू कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी सारे क्यू कार्ड हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं आज वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द प्लेस और लोकेशन ऑलरेडी मेरी एक वीडियो डली हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है देर आर मेन सिक्स टॉपिक्स अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके मोर देन हंड्रेड ऑफ फाइल्स क्यू कार्ड प्रिपेयर हो जाते हैं गो एंड वॉच दैट वीडियो कौन से छः टॉपिक हैं उन छः में से आज फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं

a place you visited and liked a place you would like to visit a peaceful place you visited beautiful environment किसी प्लेस का हो किसी फॉरेन कंट्री में आप कभी गए नहीं हो लेकिन जाना चाहते हो या आपने विजिट किया हो या आपकी फेवरेट कंट्री या कोई आपका रिमेमरेबल ट्रिप या जैसे कोई कोई प्लेस आपके रिसेंटली होम टाउन में ओपन हुई हो कोई हाउस या अकोमोडेशन या रिसेंटली बिल्ट कोई प्रॉपर्टी एंड मेनी मोर देर आर हंड्रेड ऑफ क्यू कार्ड जो हैं वो आपको इस टॉपिक के ऊपर मिलेंगे जो अभी हम करेंगे प्रपरेशन उसमें क्या होगा एक तो हम वो कैब ऐसी प्रिपेयर करेंगे कि हमारा कभी भी हमें प्लेस के ऊपर आ जाए लोकेशन के ऊपर क्यू कार्ड आ जाए पार्ट वन आ जाए पार्ट टू आ जाए पार्ट थ्री आ जाए तीनों में आपकी वो कैबलरी के कुछ वर्ड्स हैं कोई सेवन एट टेन वर्ड्स हैं यू कैन यूज एंड यू कैन एडजस्ट दोज वर्ड्स एनी वेयर ठीक है साथ में हम क्या करेंगे हम जब भी हमने प्लेस या लोकेशन के ऊपर कवर अप करना है प्रेपरेशन करनी है तो हमें सिर्फ मेन तीन कैटेगरीज के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज थोड़ी सी हमें आइडियाज़ होंगे तो हम ये सारे गिवन दिए टॉपिक्स कवर कर पाएंगे सो so, बिगिन करते हैं तो जब भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सबसे बड़ी बात तो है कि वोकेबलरी ये मेरे टेन है बेसिकली वर्ड्स ये आप टेन वर्ड्स किसी भी क्यू कार्ड में यू कैन यूज़ तो सबसे पहले अमेनिटीज़ या अमेनिटी दैट इज़ फैसिलिटी डाइवर्स दैट इज़ डिफ़रेंट वाइब्रेंट बड़ा यू नो वाइब्रेंट फुल ऑफ कलर्स जैसे ब्राइट आई कैचिंग पिक्चर्स क्यू का मतलब होता है जहाँ पे पिक्चर्स क्यू जैसे सीनरीज होती हैं उस लोकेशन को बोल देते हैं फार फ्राम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी देन इज वेल प्लान्ड irreplaceable, marvelous एंड इमेंसली पीसफुल तो ये सिर्फ दस वर्ड्स वोकेबलरी के जो आपको याद रखने की जरूरत है मैं ये दस वर्ड्स आपको बताऊंगी आगे फर्दर ऑन कि आपने कैसे यूज करने हैं और किस तरह से आप ये वर्ड्स एडजस्ट करेंगे सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा वोकेकाबलरी हमें पता चल गई कि प्लेस या लोकेशन के ऊपर हमें क्यू कार्ड या पार्ट वन या पार्ट थ्री में कोई पूछेगा तो दीज आर दर्ड्स विच वी कैन यूज अब हमने क्यू कार्ड ऐसे प्रिपेयर करना है एक हम क्यू कार्ड प्रिपेयर करेंगे कैफे के ऊपर एक कंट्री के ऊपर और एक हाउस के ऊपर इन चारों क्यू कार्ड्स में हम तीनों में सॉरी इन तीनों टॉपिक्स में हम कवर अप क्या करेंगे सिर्फ चार चार मेन आगे हमने पॉइंट्स दिए हैं जो हमें कवर करने की ज़रूरत है अगर आप इतना ही कंटेंट बना लोगे तो आप बड़ा अच्छा क्यू कार्ड बना सकते हो बोल सकते हो मान लो अगर हमने कैफे के ऊपर प्रिपेयर किया है जैसे कैफ़े में हम कौन कौन से वाले टॉपिक कवर करेंगे जैसे प्लेस यू रिमेम्बर आप कैफ़े में कवर कर सकते हैं प्लेस जहाँ पे आप जाते रहते हैं क्वाइट प्लेस है उसके बाद स्पेशल मीनिंग वाली प्लेस जो है प्लेस आपने विजिट करी लाइक like करी ठीक है जी पीसफुल प्लेस आप ब्यूटीफुल इन्वामेंट में ये कवर कर सकते हो डिस्क्राइब अ प्लेस जो रिसेंटली आपके होम टाउन में ओपन हुई है एंड मैनी मोर आप कवर कर पाएंगे तो कैफ़े में हमने चार मेन थिंग्स क्या हमें पता होनी चाहिए द वेरी फर्स्ट वन जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज लोकेशन नेम ऑफ द कैफे सेकेंड है लोकेशन थर्ड है कब जाते हो और फोर्थ है इसकी स्पेशलिटी बता दो तो देखें आप हमेशा क्यों कार्ड जो बोलें अपनी एक्सपीरियंस से बोलें कभी भी रट्टाफिकेशन या लर्नड या ऑनलाइन देखे हुए क्यू कार्ड्स मत बोलें बिकॉज एग्जामिनर को पता चल जाता है जब आप रट्टाफिकेशन वाले कार्ड्स बोलते हो तो जैसे मैं अभी रिसेंटली विजिट किया मैं अमृतसर से हूँ तो मैंने अभी रिसेंटली जो विजिट करा है कैफे उसका नाम है ग्रेन बाय एल्गिन नेम आ गया लोकेशन कहाँ पे है अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में लोकेटेड है कब जाते हैं वीकेंड्स पे जाते हैं या कोई स्पेशल इवेंट्स होते हैं या जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो तब जाते हैं अब स्पेशलिटी क्या है इसमें हम क्या ऐड करेंगे स्पेशलिटी क्या है देर आर लॉट ऑफ हम्यूनिटीज बड़ा डाइवर्स एंड वाइब्रेट है इसका इंटीरियर आई कैचिंग है पिक्चर्स क्यों इसमें बड़े सारे एरियाज हैं हसल और बसल ऑफ सिटी वाला तो नहीं बोल सकते वेल प्लान well है ऐसी जगह है जो इिप्लेसिबल है इतना अच्छा इसको डिजाइन किया गया है मावलस इसमें जो फर्नीचर uh, यूज हुआ है देन इमेंसली पीसफुल है सो so, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं और साथ में क्या ऐड कर सकते हैं कि इनका मेन्यू बड़ा गुड है लिप स्मैकिंग फूड वहाँ पे मिलता है तो ये इतना कंटेंट मोर देन सफिशियंट होता है अगर आपने क्यू कट बोलना है क्योंकि ये नहीं होता यू हैव टू प्रिपेयर 50 लाइन 60 लाइन नो no, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नाउ सेकेंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा कंट्री तो इसके ऊपर मैंने कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखा है बिकॉज भाई आप अपने एक्सपीरियंस से बोलोगे तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक अबाउट आप रुकोगे नहीं आपको सोचना नहीं पड़ेगा तो कंट्री मैंने रिसेंटली विजिट करा जैसे बाली हम रिसेंटली गए थे तो बाली कहाँ पे है इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है उनमें से बाली वन ऑफ दम है इंडिया से क्या, लोकेशन बता दी हमने इंडिया से कैसे जा सकते हैं बाई फ्लाइट जाते हैं जो मोस्टली वाया सिंगापुर स्टे के साथ होती है इंडियन से कि के लिए क्या है जी वीजा अराइवल है ठीक है जी तो ऑस्ट्रेलिया नियरेस्ट इसके पड़ता है ढाई थी घंटे की फ्लाइट है चीपेस्ट कंट्री है बाली दो हिस्सों में स्पेशलिटी अब आ जाए चीपेस्ट है बाली दो हिस्सों में डिवाइडेड अच्छा इसमें और स्पेशलिटी क्या है इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल है फिर दो हिस्सों में बेसिकली डिवाइडेड है एक फ़ॉरेस्ट एरिया है एक बीच एरिया है इसके बीचेस बड़े सुंदर हैं वाइट सैंड ब्लू वाटर वाले इसके बीचेस हैं दो मेजर इसके एरियाज़ हैं एक सैम्याग सिटी है जहाँ पे पब्स हैं शॉपिंग सेंटर्स हैं और जो फॉरेस्ट एरिया है उसका बेसिकली क्या है उबुद एरिया है उबुद उसका नेम है बड़ा काम क्वाइट प्लेस है तो फिर आगे ये सारे फिर वो कैबलरी वाले वर्ड आपके आ जाएंगे इसका जो वहां पे इन्वामेंट है बड़ा आ, आई कैचिंग है मावल्स है इमेंसली पीसफुल है बड़ी वेल प्लान सिटी है जब आप उधर उबु जाते हो तो यू आर फार फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ द सिटी फिर जी बड़ा डाइवर्स वहाँ पर आपको कल्चर देखने को मिलेगा क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग घूमने आते हैं पिक्चर्स की लोकेशन हैं बीचेस बड़े अच्छे हैं तो ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग एवरी पॉइंट नाउ मूविंग टू अच्छा इसमें आप क्यूकट कौन सा कवर कर सकते हैं किसी भी कंट्री या प्लेस के ऊपर आ गया ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट वाला आप कवर कर सकते हैं पीसफुल प्लेस कवर कर सकते हैं प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट कवर कर सकते हैं कंट्री के ऊपर फॉरन कंट्री की बात करनी है विजिट किया था कभी नहीं गए जाना चाहते हो फेवरेट कंट्री या कोई ट्रिप तो ये सारे कवर अप हो रहे नाउ मूविंग टू लास्ट वन हाउस तो हाउस में हम क्या करेंगे हाउस का नेम अगर किसी ने रखा है तो ठीक है नहीं तो किसका हाउस है उसकी लोकेशन कब गए थे और स्पेशलिटी क्या है आप अपने हाउस के बारे में भी बता सकते हो रिलेटिव के हाउस के बारे में भी बता सकते हो लोकेशन क्या है जी एड्रेस बता दें आपके घर से इतने किलोमीटर्स दूर है और इतना टाइम लगता है बाय कार या बाय बस वहाँ पर पहुँचने में कब गए थे रिसेंटली या लास्ट वीक विजिट किया था उन्होंने एक फंक्शन करवाया था इनाग्रेशन करवाई थी तो तब हम गए थे स्पेशलिटी क्या है जी नंबर ऑफ़ रूम्स है टू स्टोरी है थ्री स्टोरी है रूम्स आर क्वाइट बिग एंड स्पेशियस है इंटीरियर बड़ा अच्छा है स्पेशल एरिया उन्होंने रखा है प्ले एरिया है फिर उनके घर में डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वुड का वर्क बड़ा अच्छा किया हुआ है तो अगेन उनका घर बड़ा इमेंसली पीसफुल है मावल्स उसमें डिजाइनिंग करी गई है वेल प्लैंड हाउस है फार फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी पे इसकी लोकेशन है अम्यूनिटीज बड़ी सारी हैं आई कैचिंग उनके फर्नीचर हैं वाइब्रेंट से उनके घर के जो कलर पेंट किया गया बड़ा वाइब्रेंट है बड़ा आई कैचिंग है तो कवरअप हो गया इसमें कौन से क्यू कार्ड कवर होंगे आपके ये सारे अगेन यू कैन कवर प्लेस यू रिमेंबर आप कवर कर सकते हो ठीक है जी उसके बाद स्पेशल मीनिंग प्लेस यू रिसेंटली विस्टेड या आ, ये नया किसी का घर किसी का कमोडेशन रिसेंटली बिल्ट हाउस तो अल्टीमेटली हमने ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ टॉपिक इसमें अप किया है तो इसी को प्रिपेयर करो इसी के साथ ही आपके बहुत सारे क्यू कार्ड कवर होंगे एंड यू डोंट हैव एनी नीड कि आप बार बार इंटरनेट पे जा रहे हो रट्टाफिकेशन लगा रहे हो आपको आइडियाज़ लेने पड़ रहे हैं ऐसे प्रिपेयर करोगे तो स्मार्टली इजी टू प्रिपरेशन होगा टफ भी नहीं लगेगा और सबसे बड़ी दिक्कत क्या सॉल्व होगी कि क्यू कार्ड का कंटेंट कम नहीं होगा आपके पास ठीक है स्टेट अस सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल क्योंकि अभी रिसेंट अभी कमिंग डेज में वीडियोज़ आने वाली है लगातार ऑन आयल्स स्पीकिंग आयल्स पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री क्यू कार्ड किसी भी क्यू कार्ड को कैसे कवर करना है एंड मैनी मोर थैंक यू